आपके फ्रंट की तरफ देखें आप तो माशाल्लाह से देखें ब्राउन कलर का गेट है और बॉर्डर पे जो है वो ब्लैक कलर की टाइल में यूज़ किया गया है। फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की जो है वो ग्रिल है, इंस्टॉल है, एल्युमिनियम और ग्लास के यूज से जो है विंडो वो इंस्टॉल की गई है। तो एंड तक जरूर देखा करें, वीडियो के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, घर की यूटिलिटी, घर की प्राइस और घर की लोकेशन सारी वीडियो में एड होती है। फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो गैराज की फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं कि टवीरा का मार्बल है, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर में और जो है वो जेट ब्लैक कलर में मार्बल का यूज करके जो कितना प्यारा टच दिया गया है। और आपको बेड साइड है ये वाली और वो सामने उस तरफ मीडिया वॉल है, ठीक है, वहाँ पे आपको केबल्स की एक्सेस भी दी गई है। सीलिंग की बात करो तो सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इसके डिजाइन में जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है और पाइप लाइट का यूज किया गया है जिसको सामने आपको एक बड़ी विंडो जो है वो दी गई है तो आपको कंप्लीट एक्सेस थी वेंटिलेशन के लिए। स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड फ्लोर जो है वो सनी ग्रे में मार्बल का यूज है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो सेकंड फ्लोर के साथ अटैच जो है वो वेंटिलेशन की एक्सेस दी गई है आपको और जो है वो स्टेनलेस स्टील की जो है वो ग्रिल यहाँ पे इंस्टॉल की गई है सेफ्टी के लिए। हमने आपको ग्रीनरी है सारी, ठीक है, देखें ओपन यहाँ पे जो है वो एनवायरमेंट है यहाँ का। चार वॉशरूम है, ठीक है, घर के अंदर तीन मास्टर बेडरूम्स हैं और जो है वो दो टीवी लाउंज हैं और ओपन किचन की हिसाब से दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनीब अख्तर और आप जानते हैं कि शीश सनी कंपनी की तरफ से आपको माशाल्लाह से हाउसेस, प्लॉट्स और शॉप वगैरह का विजिट करवाते हैं। तो आज माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत घर का विजिट करवाने आए हैं जो कि अभी फ्रेशली कंस्ट्रक्ट किया गया है। घर के फ्रंट की तरफ देखें आप तो माशाल्लाह से देखें ब्राउन कलर का गेट है और बॉर्डर पर जो है वो ब्लैक कलर की टाइल में यूज़ किया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की जो है वो ग्रिल है, इंस्टॉल है और एल्युमिनियम और ग्लास के यूज़ से जो है विंडो वो इंस्टॉल की गई है। जो है वो सेकंड फ्लोर पे भी आपको ग्रिल की एक्सेस दी गई है और बहुत ही खूबसूरत घर है। स्लोप अगर आप देखें तो माशाल्लाह से जो है वो ग्रे कलर की टायर का यहाँ भी यूज़ किया गया और आपको थ्री स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। अभी चलते हैं घर के इंटरनल एरिया की तरफ, ठीक है, और आपको सारा बताएंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखा करें, वीडियो के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, घर की यूटिलिटी, घर की प्राइस और घर की लोकेशन सारी वीडियो में ऐड होती है। तो वीडियो को लाजमी देखा करें एंड तक, ठीक है, और कमेंट भी जरूर किया करें। अभी चलते हैं घर के इंटरनल एरिया की तरफ। फ्लोरिंग की अगर आप बात करें तो गैराज की फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं कि टवीरा का मार्बल है, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर में और जो है वो जेट ब्लैक कलर में मार्बल का यूज़ करके जो कितना प्यारा टच दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने जो आपको एक पहले घर का विजिट करवाया था वहाँ पे लूडो की जो है वो इंस्टॉलेशन का डिज़ाइन दिया गया था और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फूल बनाए गए हैं। आपको मैं माशाल्लाह से जो है वो गैराज की जो है वो लेफ्ट एलिवेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आपको निशेस जो है वो दी गई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, लाइट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। फ्रंट पे आपको एक मेन डोर की एक्सेस दी गई है जो कि डबल डोर है और उसी के साथ आपको पाउडर रूम और वहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कि पैनल के ऊपर आपको जो है वो टाइल का यूज़ किया गया और इसी की राइट साइड पे आपको जो है वो फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस दी गई है विद द यूज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील ग्रिल। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घर है, ठीक है। अगर मैं गैराज की सीलिंग की बात करूँ, सीलिंग का डिज़ाइन आप देखें माशाल्लाह से स्क्वायर में रखा गया है और लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट कलर में जो है वो इस स्टैम्प का यूज़ किया गया है। हम चलते हैं माशाल्लाह से ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद जो है वो इसके जो मेन इंट्रेंस है उसका डबल डोर दिया गया आपको, ठीक है, और माशाल्लाह से एक मास्टर बेडरूम और एक ओपन किचन की एक्सेस दी गई है। तो चलते हैं इंटरनल एरिया की तरफ। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं माशाल्लाह से जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर टीवी लाउंज के अंदर। तो टीवी लाउंज में आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पर आपको जो है वो टवीरा का लाइट ब्राउन कलर में मार्बल का यूज़ है और बटरफ्लाई डिज़ाइन में मार्बल का यूज़ किया गया और बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि कितने प्यारा स्केयर डिज़ाइन में आपको पट्टी का यूज़ किया गया, ब्लैक पट्टी, बहुत ही प्यारा घर है, ठीक है। और अगर मैं इसकी लेफ़्ट एलिवेशन की बात करूँ तो लेफ्ट पे भी आपको ऑफ वाइट कलर में डिस्टैम्पर का यूज़ किया गया है। उसके सामने जो है वो फ्रंट पे आपको मेन डोर की एक्सेस दी गई है जो कि मास्टर बेडरूम में एंट्रेंस का डोर है और इसी के साथ आपको ओपन किचन की एक्सेस दी गई है, ठीक है, नीचे भी आपको कैबन्स और ऊपर भी आपको कवर दी गई हैं, ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे भी आपको जैक वाले जो है वो कैबिन्स दिए गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। और शेल्फ पे आप देखिए जो है वो मार्बल का यूज़ किया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखें चाइना डिज़ाइन के अंदर जो है वो आपको जो है वो वैनिटी अप्लाई की गई यहाँ पे और सिंक भी जो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर। अभी फिर जब मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं, डोर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा डोर जो अप्लाई किया गया है और कश्मीरी ये जो वुड यहाँ पर यूज़ की गई है ये कश्मीर की वुड है। तो अगर आप फ्लोरिंग पे देखें तो माशाल्लाह से जो है वो टवीरा का मार्बल यूज़ किया गया लाइट ब्राउन कलर में और टोटली आप देख सकते हैं कि ब्लैक पट्टी जो है वो इसके बॉर्डर पे यूज़ की गई है, कितना प्यारा टच दे रहा है इसे, ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से। और जो है वो इसकी स्कर्टिंग भी जो है वो टवीरा के ही पत्थर से यहाँ में इंस्टॉल है और ऑल वॉल्स आर कवर्ड विद वाइट स्टैम्पर, ठीक है। ये आपको बेड साइड है ये वाली और वो सामने उस तरफ मीडिया वॉल है, ठीक है, वहाँ पे आपको केबल्स की एक्सेस भी दी गई है, ठीक है, मीडिया केबल की। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से स्क्वायर डिज़ाइन में
जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पाइप लाइट का यूज़ किया गया जो इसको बहुत ही और भी जो है वो ग्रेस दे रही है। मिड में आपको फ़ैन की एक्सेस दी गई है और साइड्स पे आप देख सकते हैं कि लाइट की एक्सेस है। इस तरह आपको आउटडोर दिया गया है, ठीक है, जो आपको वेंटिलेशन की कंप्लीट एक्सेस देता है और उनको फ्रेश रखता है। और उसी के नीचे बिल्कुल आपको पाउडर रूम की एक्सेस दी गई है, देखिए माशाल्लाह से पॉसिबल को गाइस। तो अब पाउडर रूम में आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग पे आपको लेज़र टाइप टाइल में जो है वो यूज़ किया गया है फ्लोरिंग पे। और ऑल वॉल्स आर कवर्ड विद, ये देखिए कितना कैजुअल और ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन है टाइल्स में। पाउडर रूम में एंटर होते ही आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे कमोड, ये कमोड एरिया है और दिस इज शावर एरिया। और जो है वो पे पोर्टेक्स की वैनिटी बेसन और सामने आपको मेरे पीसेस से घुसाना का। अभी व्यूअर्स हम चलते हैं माशाल्लाह से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ठीक है, आपको इंशाल्लाह सारे घर का विजिट करवाएंगे, बहुत ही प्यारा घर है। और मैं बताना चाह रहा था जैसे ही हम एंटर होते हैं जो है वो मास्टर बेडरूम के अंदर, लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो वाटरूम की एक्सेस दी गई है। सेपरेट आपको कैबिन दी गई है और बीच में ड्रायर और जो है वो यहाँ पे भी सेपरेट आपको कैबिन दी गई है फॉर द हैंगिंग ऑफ द क्लॉथ्स। ये देखिए साइड्स पे आपको दोनों सेम कैबिन दिए गए हैं, इसमें भी ड्रायर है, ठीक है, और जो है वो उसके ऊपर ही आपको जो है वो बड़े कैबिन दिए गए हैं जहाँ पे आप अपनी वो बड़ी चीज़ें रजाइयाँ वगैरह रख सकते हैं और कंबल वगैरह। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाटरूम भी, ठीक है। तो ये आपको जो है वो मास्टर बेडरूम के अंदर ही एक्सेस प्रोवाइड की गई है। तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं माशाल्लाह से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जिसकी एक्सेस आपको जो है वो एंट्रेंस डोर के राइट साइड पर दी गई है। स्टेनलेस स्टील की ग्रिल का यूज़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही डिसेंट बॉल अप्लाई है। आमतौर पर घरों में जो है वो स्टील का लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ऑक्सफोर्ड जो है बॉल लगाया गया है। तो स्टेयर्स पे आप देखिए माशाल्लाह से जो है वो जेट ब्लैक कलर में ब्राउनिश टच दे रहा है उसको मार्बल को, ठीक है। और सारी स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं मार्बल का यूज़ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स अभी हम मौजूद हैं माशाल्लाह से फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, बहुत ही खुला खुला और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर भी आपको कम्प्लीट है जो ना वेंटिलेशन की एक्सेस दी गई है जो आपको फ्रेश माहौल प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर। एंट्रेंस के वैल्यू के सामने आपको जो है ओपन किचन की एक्सेस दी गई है और जो है वो शेल्फ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो सनी ग्रे में मार्बल का यूज़ है और नीचे भी आपको कैबिन दिए गए हैं, ठीक है, और ऊपर भी आपको जो है वो कैबिन की एक्सेस दी गई, सेपरेट कैबिन है हाथ ये देखिए माशाल्लाह। और ओपन किचन में आप देख सकते हैं कि जो है वो सिंक आपको वाशिंग के लिए और उसकी वैनिटी जो है वो पार्क की जो है वो टैब्स यहाँ पर अप्लाई हैं। और आपको मैं बताते चलूँ कि जो ये टी वी लॉन्च है, ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो अपने जो सोफ़े वगैरह रख के और भी यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं। फ्लोरिंग की बात करें अगर, तो फ्लोरिंग पे आप देख सकते हैं कि सनी ग्रे में जो मार्बल का यूज़ है उसके साथ ब्लैक पट्टी का यूज़ किया है जो उसको बहुत ही खूबसूरत और उसको ग्रेस दे रही है। अगर मैं टीवी लॉन्च के जो है वो सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग पर आप देखिए माशाल्लाह से स्केल डिज़ाइन जो शेप में रखा गया है और जो है वो पाइप लाइट का यूज़ है जो उसको और भी ग्रेस दे रहा है। मिड में आपको फैन की एक्सेस और साइड्स पर आपको जो है वो लाइट दी गई है। तो व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक मास्टर बेडरूम की एक्सेस दी गई है माशाल्लाह से, बड़ा डोर यहाँ पे अप्लाई है और कश्मीर की वुड का यहाँ पे यूज़ है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। और अभी मैं मौजूद हूँ माशाल्लाह से जो है वो मास्टर बेडरूम के अंदर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। वो इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो जो है वो सनी ग्रे में मार्बल का यूज़ है, साइड्स पर आपको जेट ब्लैक कलर में बॉर्डर का यूज़ है और स्कर्टिंग भी आपको सनी ग्रे कलर में मिलेगी। ऑल वॉल्स आर कवर्ड विद द वाइट डिस्टेंपर, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो वेंटिलेशन के लिए एक्सेस दी गई है, ये देखिए माशाल्लाह से, जो आपके रूम को जो है वो मज़ीद खुशगवार और जो है वो फ्रेश करती है। आपको राइट साइड पे ये देखें, यहाँ इस तरफ मीडिया वॉल है और यहाँ पे जो है वो ये बेड एरिया है, ये बेड एरिया है और उसके सामने यहाँ पे मीडिया वॉल है जहाँ पे आपको जो है वो मीडिया केबल की एक्सेस भी प्रोवाइड की गई है। बेडरूम की जो है सीलिंग है वो माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके स्केल डिज़ाइन में इंस्टॉल है और जो उसकी लाइट्स हैं वो साइड पर कॉर्नर पर दी गई हैं और मिड भी आपको फैन की एक्सेस दी गई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा घर है, ठीक है, जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो शेख सनन कंपनी से रब्ता करें, इंशाल्लाह घर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद दूसरे जो है वो बेडरूम की तरफ, ठीक है, जो कि आपको घर के फ्रंट पे दिया गया है, ठीक है, 7 फीट पे है और वुडन रोडियो को कश्मीर की वुड के साथ अप्लाई है। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद जो आपको रूम दिया गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पे जो है वो सनी ग्रे में मार्बल का यूज़ है और बॉर्डर जो है वो जेट ब्लैक कलर में मार्बल के साथ इंस्टॉल किया गया है और इसकी स्कर्टिंग भी जो है वो सनी ग्रे में इंस्टॉल है। रूम की ऑल वॉल्स जो हैं वो वाइट डिस्टेंपर्ड हैं, ठीक है, सीलिंग भी बहुत प्यारी है, यहाँ पे देखें सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है वो रेक्टेंगल शेप में
पाइप लाइट की जो है वो यूज़ के साथ आपको दिया गया है, और उसमें आपको लाइट ब्राउन कलर में यूज़ किया गया है डिस्टेंपर का, और मिड में आपको फैन की एक्सेस और साइड पे आपको लाइट दी गई है। सामने आपको एक बड़ी विंडो जो है वो दी गई है, तो आपको कंप्लीट एक्सेस थी वेंटिलेशन के लिए। अगर वीरवाज आप टेरेस टेरेस देखें, तो टेरेस में भी आपको माशाल्लाह से फ्लोरिंग पे जो है वो जो लाइट ग्रे कलर में आपको मार्बल का यूज़ है, और जो है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर में टवीरा का पत्थर जो है वो स्कर्टिंग में यूज़ किया गया है। स्टेनलेस स्टील की जो ग्रिल इंस्टॉल है, ठीक है, और जो है वो घर की लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है वो पिलर्स हैं जो घर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है बेडरूम, उसके साथ आपको अटैच वॉशरूम की एक्सेस दी गई है। तो पर्ड रूम जो है वो आपको देख सकते हैं कि एंट्रेंस डोर की जो है वो 6 फीट पे है। फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं कि जो है वो स्केयर टाइल का यूज़ है, और बहुत ही अच्छी लग रही है, और ऑल वॉल्स आर कवर्ड विद द स्केयर टाइल अप टू 5 फीट, और जो है वो यहाँ पे मास्टर का शावर, ठीक है, और सीट की एक्सेस दी गई है, और यहाँ पे वैनिटी के लिए बेसन अप्लाई किया गया है फोर्टेक्स का उफाना का। तो व्यूवर्स अभी माशाल्लाह से हम फर्स्ट फ्लोर में मौजूद थे, तो आपको जो है वो मौजूद यहाँ पे जो रूम्स हैं उनका विज़िट करवाया। अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सेकंड फ्लोर की आप देख सकते हैं कि एक्सेस जो है वो एंट्रेंस के फ़ौरन ही आपको राइट साइड पे दी गई है, और स्टेयर्स पे भी आप देख सकते हैं कि सनी ग्रे में मार्बल का यूज़ है, और जो है वो स्टेनलेस स्टील की ग्रिल। व्यूवर्स अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ, ठीक है। स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड फ्लोर जो है वो सनी ग्रे में मार्बल का यूज़ है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो सेकंड फ्लोर के साथ अटैच जो है वो वेंटिलेशन की एक्सेस दी गई है आपको, और जो है वो स्टेनलेस स्टील की जो है वो ग्रिल यहाँ पे इंस्टॉल की गई है सेफ्टी के लिए। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, घर का जो नक्शा भी बहुत जो है वो ऑक्सफोर्ड है। अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ, ठीक है। अभी हम मौजूद है सेकेंड फ्लोर पर। एंट्रेंस डोर आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर में इंस्टॉल है, ठीक है, आयरन में, और यहाँ पे बड़ा जंगला आपको अप्लाई किया गया है जो कि आपको कंप्लीट एक्सेस है वेंटिलेशन की। आप इसके पैरापिट्स देख सकते हैं कि वाइट डिसम्बर से इनको कवर किया गया है, बहुत ही प्यारा है घर, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर पे भी आपको एक बॉडरूम की एक्सेस दी गई है, और जो है वो बीसीए का वेंटी बेसन, और ये देखें आप फ्लोरिंग भी आप देखें कि जो है वो ब्लैक कलर में टाइल का यूज़ है, और ऑल वॉल्स आर कवर विद टाइल, वाइट टाइल और ब्लैक टाइल का यहाँ पे यूज़ है, और पोर्टेक्स की यहाँ पे सीट और टैब्स अप्लाई की गई हैं। अब देखेंगे माशाल्लाह से जो है वो आयरन की ग्रिल का यूज़ किया गया, और बहुत ही ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन है, ठीक है। जो भी बंदा इंटरेस्टेड है हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको मुनासिब प्राइस पे घर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। सामने आपको ग्रीनरी है सारी, ठीक है, देखें ओपन यहाँ पे जो है वो एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो व्यूअर्स ये था दो मरला ब्रांड न्यू हाउस जो कि लग्जरी टाइप में आपको दिखाया है, कि बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। घर की प्राइस की बात की जाए तो घर की प्राइस 60 लाख है, जिसमें जो है वो चार वॉशरूम है, ठीक है, घर के अंदर 3 मास्टर बेडरूम्स हैं, और जो है वो 2 टीवी लाउंज हैं, और ओपन किचन की हिसाब को दी गई है। बहुत ही खूबसूरत घर है जो, और इसमें जो है वो एक गराज भी दिया गया घर में, ठीक है, जहाँ पर आप जो है वो बड़ी कार खड़ी कर सकते हैं। घर की लोकेशन की बात करूँ तो जो है वो घर मेन शेखुपुरा रोड से 1 मिनट की मुसाफत में मौजूद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपके तलक जो है नई से नई वीडियोस पहुंचती रहें। तो इसी से चाहते हैं हम इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे नए घर और नए ब्लॉग के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।